जमशेदपुर के परसुड़ी मुख्य सड़क पर गड्ढा खोद करके छोड़ दिए जाने से स्थानीय लोग काफी परेशान हैं, जिससे आए दिन लोग सड़क दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। वहीं स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया है। बता दें, समाज सेविका महिला अर्पणा गुहा और स्थानीय लोगों ने कहा कि परसुड़ी मुख्य सड़क के नीचे बिजली, गैस और पानी की पाइप बिछाने के लिए गड्ढा खोदा गया है, लेकिन गड्ढा खोदने के बाद भी जल्द से जल्द गड्ढे को भरा नहीं जा रहा है, जिससे आम जनता को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और आए दिन लोग सड़क दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। जल्द से जल्द इस मामले को लेकर उपायुक्त से वे लोग शिकायत करेंगे। कहना ये चाहेंगे कि आज हम लोग इस रोड में जो हमारी परसुड़ी क्षेत्र का जो सड़क है, आए दिन इतने गड्ढे करके जा रहे हैं, जो गैस पाइप का लाइन दिया जा रहा है, बिजली का दिया जा रहा है, पानी का दिया जा रहा है, तो पानी सभी चीज़ का जो दिया जा रहा सुविधा जो हमारी यहाँ के लोगों को मिलेगा ये बहुत अच्छी बात है, पर इसका कोई टाइम मेंटेन होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से गड्ढा होती है, मतलब सोचिए कि बिजली का एक गया तो बिजली में इस तरीके से गड्ढा करते कि लोगों का जो पानी इतना जो लीकेज होता। अब कुछ दिन पहले की घटना है तो जो हमारे पड़ोबी रोड में हुई थी, जो गैस पर बिछाने के समय में पूरा उन लोग का गड्ढा करने के समय में पूरा पानी का पाइप एकदम बिछाया हुआ वो पूरा तोड़ दिया गया था, जो कि उसमें आदमी परेशान हो गए थे। इसी तरीके से परसुड़ी में आए दिन कुछ ना कुछ घटना हो रही है। अगर पाइपलाइन बिछा रही है तो किस चीज़ का पाइपलाइन बिछा रही है? जब अगर गैस पाइप की ओर तो गैस पाइप का बिछाने के लिए उस समय में एक पदाधिकारी को जिस विभाग से काम हो रही उसको वहाँ पर निरीक्षण करने के लिए लोगों को रखना चाहिए, क्योंकि आम पब्लिक जो जनता है यहाँ की इतने भुगत रही है, इतनी छोटी एक रास्ता है, वहाँ से आने जाने की इतनी असुविधा हो रही है, तो इसके लिए कौन, किस विभाग इसके लिए जिम्मेदार बनेंगे? कल की घटना है, यहाँ कार एक जो गिर गए थे, और परसों कल रात की घटना की एक आदमी जो गिर के उनका पैर टूट गया है, काफी लोग एकदम परेशान है, गड्ढा में गिर गए थे, उनको हम लोग हॉस्पिटल में लेके गए, पैर टूट गया है। तो ऐसे इस जो विभाग से जो भी काम हो रहा है कि इस किस विभाग से हो रहा है, कब होगा, इसका टाइम पीरियड क्या है, कब तक ये फिलअप होगा? क्योंकि परसुड़ी अंचल में एक छोटा सा रोड है, इसी में अगर एक आधा रास्ता में बंद किया जाएगा तो दूसरी तरफ से किस तरीके से जाएगा? और एक चीज देखा जा रहा है कि पाइपलाइन के जो पानी का तो आप रास्ता भर आप देखिए, परसुड़ी में हर जगह से पानी का पाइप का पूरा एकदम तोड़ के रख दिया गया है, एक एक जगह में पानी का लोग ग्रसित होंगे गर्मी में, और अभी पूरा पानी के लिए पूरा एकदम एक जगह पाइप पूरा फट के पानी गिर, पर किसी को कोई मतलब नहीं है। रोड का क्या, इस रोड का जो आप सित्रा चौक में चल जाइए, वहाँ पर लोग आने जाने के लिए ऐसे ट्रैफिक जाम है, तो आम जनता कहाँ से जाएगी? इसलिए हम लोग अभी जीएम से भेंट करके उपायुक्त महोदय को हम लोग निवेदन करेंगे कि इस जो रास्ता है जिस तरह कब तक बनेगी और किस विभाग से कब तक ये पूर्ण काम किया जाएगा, नहीं तो अगर नहीं किया जाएगा तो ग्रामीण क्षेत्र के जितने लोग हैं सभी हम लोग धरने प्रदर्शन में बैठ जाएंगे। दिक्कत यही है कि मैंने आज बहुत दिन से ये गड्ढा खोद के रखे हुए हैं, यहाँ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के आदमी लोग काम कर रहे थे, तो जिसके लिए इसमें डेली का दुर्घटना हो रहा है, कोई ना कोई गिर रहे हैं, गाड़ी गिर रहा है, आदमी का हाथ पैर टूट रहा है, इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, ना स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का कोई आदमी है ना कुछ, मैंने बहुत परेशानी। एक तो रास्ता नैरो हो गया है, पूरा नाला वगैरह सारा डैमेज हो चुका है यहाँ का।